हाय एवरीवन, तो रक्षाबंधन आने वाला है और ऐसा नहीं है कि बाहर राखी नहीं मिलेंगी, लेकिन नंबर वन, बाहर जाना अभी भी सेफ नहीं है। नंबर टू, अगर आप खुद से राखी बनाते हो तो ये और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है आपके भाई बहनों या भाभियों के लिए। सो आज मैं आपको सिखाऊंगी 5 इजी राखीज यूजिंग ऑल द वेस्ट मटीरियल। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड मेक सम वेरी वेरी ब्यूटिफुल राखीज विद वेरी वेरी बेसिक स्टफ। तो फर्स्ट राखी सबसे छोटे मेंबर से शुरू करते हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमें बहुत ही प्यारी राखी लानी पड़ती है हर बार, क्योंकि उनको नॉर्मल वो एक धागे वाली राखी नहीं पसंद होती है। तो हमें इस राखी के लिए चाहिए सिजर्स, कुछ पम पम बॉल्स, थोड़ा ऊन, ऐसे कोई भी छोटे से कार्टून जो भी आपके घर पे आपको मिल जाए, एंड एक फोम शीट को लेके मैंने बस उस पर 2 सर्कल्स कट किए हैं। अभी इन सर्कल के ऊपर मैं फेवी बॉन्ड, फेविकॉल, फेविक्विक, कुछ भी आप ले सकते हो, वो लेके खूब सारा पूरे पे लगाना है हमें। आप अपने पम पम के कलर डिसाइड कर सकते हो आपके जो भी बच्चे हैं उनके चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड देन पूरे पे फेवी बॉन्ड लगा के एक एक करके हमें इस तरह से सारे पॉम पॉम्स लगा लेने हैं सर्कुलर वे में। तो आप चाहो तो किसी भी वे में लगा सकते हो इनको, बट ये ऐसे अच्छे लगते हैं। अब ये हो जाने के बाद जो भी हमारा कार्टून है आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बेबी लिया है क्योंकि मेरे घर पे एक छोटा बेबी है, उसके लिए बना रही हूँ मैं ये। और अभी मैं फेवी बॉन्ड के साथ इसको इसके बीच में चिपका दूँगी। तो इसको हम साइड रख देंगे सूखने के लिए। दूसरा वाला सर्कल लेके हम ऊन को 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे, एंड उसके बाद बीच में मैंने फेवी बॉन्ड को लगा के ऊन को उस पर स्टिक किया है और उसके ऊपर हमारा दूसरा वाला सर्कल रख दिया है। इससे ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा एंड हमारी राखी रेडी है। सो अपने घर के छोटे, सबसे छोटे मेंबर के लिए ये राखी परफेक्ट है। आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और ये बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, तो बच्चों को पसंद भी आता है। अभी नेक्स्ट राखी हम सिर्फ और सिर्फ रिबन्स और कुछ आर्टिफिशियल स्टार्स से बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस राखी के लिए हमें चाहिए कुछ भी, कोई भी टाइप के रिबन्स। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक रिबन्स लिए हैं, आप नॉर्मल रिबन भी ले सकते हो, ऊन या फिर ऐसा थ्रेड, और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अभी मैंने ये प्लास्टिक रिबन लिया है क्योंकि ये थोड़ा मेरे पास यही घर पे अवेलेबल था। मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया क्योंकि काफ़ी मोटा था ये मेरे लिए। इसके बाद मैंने इसको 10 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। आप कोई भी सेंटीमीटर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। सिमिलरली मैंने रेड वाले को 8 सेंटीमीटर रखा है। इसके बाद मैं एक एक स्ट्रैंड को उठाऊंगी और उसको इस बो शेप में करके बीच में स्टेपलर से स्टेपल कर दूंगी। ऐसे मैंने सारे रिबन्स को बना लिया है। इसके बाद पहले मैं इन रिबन्स को प्लस फॉर्म में और उसके बाद क्रॉस फॉर्म में रख के एक साथ पूरा गोल्डन फ्लावर को स्टेपल कर दूंगी। एंड इसके बाद सिमिलरली मैं अपने रेड वाले को भी उसी के ऊपर रख के स्टेपल करूँगी। आप चाहो तो कोई भी कलर के रिबन्स ले सकते हो, ये नॉर्मल रिबन्स के साथ भी वर्क करता है बहुत ही ईजिली। इसके बाद आर्टिफिशियल फ्लावर लेंगे हम कोई भी और उसको बीच में फेवी बॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर देंगे। आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, बट फेवी बॉन्ड जैसे रबर ग्लू से ये जल्दी स्टिक होता है। तो मैंने यहाँ पे बस अपना आर्टिफिशियल फ्लावर ऐसे सेंटर में स्टिक कर दिया है। आप कोई भी फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करो, जो आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने ऊन को लेके सिमिलरली 4 टाइम्स फोल्ड करके 2 गांठियाँ लगाई हैं। बीच से मैंने एक पतले रिबन का स्ट्रिप निकाला है उसको स्टिक करने के लिए। आप देख सकते हो इस तरीके से वो बहुत ही ईजिली और पक्का स्टिक हो जाता है एंड हमारी राखी रेडी है। सो ये रिबन राखी बहुत ही वर्सेटाइल है, ये आप अपने भाई, भाभी, बहन किसी को भी बांध सकते हो एंड ये बहुत ही ईजिली बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने फ्लावर स्टिक किया है इसके ऊपर, आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर फ्लावर स्टिक किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको फ्लावर ही स्टिक करना है, आप कुछ भी स्टिक कर सकते हो एंड आप रिबन के कलर्स के साथ भी खेल सकते हो इसमें। तो नेक्स्ट राखी इज फॉर छोटे बच्चे भी, बड़े भी, जिन लोगों को थोड़ी बड़ी राखियाँ पसंद होती हैं उनके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो इस वाली राखी के लिए हमें चाहिए कलर पेपर्स, मैंने यहाँ पे पाइप क्लीनर लिया, आप ऊन भी ले सकते हो, एंड कुछ पॉम पॉम बॉल्स। मैंने बस अपना सर्कल कट किया है जैसे मैंने पहले किए थे, 2 सर्कल्स लिए हैं, थोड़ा बड़ा सर्कल लिया मैंने इस बार क्योंकि बड़ी राखी है। इसके बाद मैं पेपर का स्ट्रिप लेके उसको मैंने 4 टाइम्स फोल्ड करके इस तरीके से झालर फॉर्म में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने सिमिलरली ब्लू, येलो और ग्रीन बना लिए हैं। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेके आप इनको इस तरीके से फोल्ड कर लो, आप क्विलिंग टूल भी ले सकते हो। फोल्ड करने के बाद फेविकॉल की हेल्प से एंड्स को आप स्टिक कर दो।
इसके बाद सेम तरीके से मैंने बाकी भी बना लिए हैं। अब इनको एक एक करके लेके इनका सेंटर पॉइंट ढूंढ के हम इनको ऐसे स्ट्रेच कर देंगे, तो ये एक फ्लावर का शेप ले लेंगे। तो सनफ्लावर टाइप शेप लेते हैं ये। तो इसी तरीके से मैं बाकी दोनों को भी ओपन कर लूँगी एक एक करके। और आप ध्यान रखना कि आप इनको जो पेपर स्ट्रिप्स लोगे ना उसके काफ़ी एंड तक कट करना, नहीं तो जो इनका नीचे वाला पार्ट होता है वो काफ़ी मोटा हो जाएगा और स्टिक करने में डिफ़िकल्टी होगी और राखी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसके पीछे वाले पार्ट पे फिर से फेविबॉन्ड लगा के इसको अपने सर्कल से चिपका दिया है। सिमिलरली उसके ऊपर ब्लू एंड उसके ऊपर सबसे छोटा मैंने येलो लिया है। आप ध्यान रखना कि आप तीनों के साइज़ को ज़रूर वेरी करना पेपर स्ट्रिप्स के साइज़ को। बीच में पॉम पॉम लगा के मैंने इसको कम्प्लीट किया है और पीछे मैंने पाइप क्लीनर लगा के वैसे ही सर्कल को दोबारा से लगा दिया। आप पाइप क्लीनर की जगह ऊन भी ले सकते हो एंड बीच में पॉम पॉम की जगह आप फ्लावर भी लगा सकते हो। एंड हमारी राखी रेडी है। आप जैसे मैंने बाकी राखियों में यूज़ किया था ना, आप ऊन भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पाइप क्लीनर इसलिए यूज़ किया क्योंकि सबके यहाँ पे मिल सकता है इजीली और ये बहुत ही इजीली टाई भी हो जाता है। आप देख सकते हो कितने आसानी से मैं इसको मोड़ पा रही हूँ। तो हमारी नेक्स्ट राखी इज स्पेशली फॉर हमारी बहन या भाभियाँ, बट आप ये भाइयों को भी बांध सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस राखी के लिए हमें चाहिए कोई भी स्ट्रैंड, फेविकोल, फोम शीट, कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स जैसे भी आपके पास हों। अभी मैं फिर से सर्कल्स कट करूँगी, इस बार थोड़े छोटे कट कर रही हूँ मैं, दो सर्कल्स सेम साइज़ के। इसके बाद मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स निकाल लिए हैं, बंच से मैंने कट कर लिए हैं, आप अलग से भी खरीद सकते हो इनको। मेरे पास ये ब्लू कलर के रोजेस थे, एक एक करके मैंने इस सर्कल पे तीन रोजेस को स्टिक किया है और इन तीनों रोजेस को स्टिक करने के लिए मैंने फेविबॉन्ड यूज़ किया है, जैसे कि मैंने बोला था रबर ग्लू से ईजिली स्टिक होता है। इसके बाद जो छोटे वाले फ्लावर के बीड्स हैं मैंने इनको उन रोजेस के बीच में लगाया है ताकि थोड़ा सा फ्लावर बंच वाला फील आए। एंड फिर मैंने तीन वाइट कलर के पॉम पॉम्स लिए ताकि थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाए, ऑफ वाइट पॉम पॉम है ये। और मैं इसको जो मैंने तीन छोटे बीड्स वाले फ्लावर लगाए थे वहाँ पे फेविबॉन्ड लगा के इन पॉम पॉम्स को लगा दूंगी ताकि वो बीड्स प्रॉपर फिक्स हो जाए हमारे पूरे के पूरे फ्लावर में। तो इससे ये काफ़ी प्रॉपरली स्टिफ हो जाता है एंड ये इतनी ईजिली टूटती नहीं है राखी। अभी बाकी राखियों की तरह ही मैंने यहाँ पे हमारा पेपर थ्रेड लिया है, आप ऊन पाइप क्लीनर कुछ भी ले सकते हो। पेपर थ्रेड को मैंने एक साइड से नॉट बांध दिया है और फिर दूसरे सर्कल की हेल्प से मैं इसको सिमिलरली हमारे रोज़ वाले सर्कल के ऊपर चिपका दूंगी। एंड हमारी राखी रेडी है। आप कोई भी फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो इसमें, एनी कलर ऑफ योर चॉइस। सो यू कैन सी कि कितने ईजिली हमने ये कुछ फ्लावर्स और कुछ पॉम पॉम बॉल्स के साथ हमने ये राखी इतनी आसानी से बना ली है। तो डेफिनेटली यू कैन यूज एनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड इट टर्न्स आउट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नाउ हमारी जो लास्ट राखी है दैट इज स्पेशली हमारी भाभी बहने इन लोगों के लिए। तो इस राखी के लिए हमें चाहिए ऊन, कुछ पॉम पॉम बॉल्स, फोम शीट और ऐसे कोई भी प्लास्टिक बैंगल्स। मैंने क्या किया है, मैंने ऊन ऑरेंज कलर की ली है और मैंने प्लास्टिक बैंगल वाइट कलर का लिया है। यहाँ पे धीरे धीरे मैं ऊन को इसके आसपास पूरा ऐसे फोल्ड करूँगी और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है। दो एंड्स पे मैंने काफ़ी डेंस ऊन रखी है और दो एंड्स पे मैंने थोड़ा सा दूर दूर रखा है ऊन को। जब ये फिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसको नॉट लगा देंगे पूरा बैंगल कवर करने के बाद। अब जब नॉट लग जाएगी तो मैंने फोम शीट के साथ एक डी शेप कट किया है, आप रैंडम डी शेप कट कर सकते हो। ये पीछे से स्टिकी वाली फोम शीट थी तो मैंने इससे ऐसा कोन बना लिया है और कोन बनाने के बाद मैं इसके बीच से जो हमारा ऊन है ना उसको निकाल के इसको हमारे बैंगल के एंड पे जॉइन कर दूंगी। फिर मैंने हमारे पम पम बॉल्स लिए हुए हैं ऑरेंज शेड के लिए मैंने, और जो हमारा मैंने नीचे कोन बनाया था उसके ऊपर ही मैंने फेविबॉन्ड की हेल्प से ये तीन पम पम स्टिक किए। आप कितने भी कर सकते हो, जितनी बड़ी आपको बनानी हो। इसके बाद मैंने ऊन से टेसल बनाया है, आपको 15-20 टाइम्स अपने हाथ के आसपास ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक गांठी लगानी है बीच में और एक एंड से पूरा कट कर देना है। जो दूसरा एंड है उसको ऊन से ऐसे रैप कर देना है और ऊन पे थोड़ा सा फेविकॉल या फेविबॉन्ड लगा के उसको पूरा फिक्स कर देना है एंड नीचे से आप ट्रिम भी कर सकते हो। तो ये आपका एक टैसल तैयार है। ऐसे मैंने दो टैसल्स बनाए हैं और मेरी स्टिकी फोम शीट थी तो मैंने उसका अंदर का पेपर निकाल के टैसल्स को अंदर स्टिक कर दिया है एंड बस आप एक्स्ट्रा ऊन कट कर दो एंड आपकी राखी रेडी है।
तो एज यू कैन सी कि सिर्फ और सिर्फ एक बैंगल से हमने कैसे ये बहुत ही सुंदर सी राखी बनाई है. यू कैन सी ये बहुत सुंदर लगती है ओवरऑल देखने में. ओके सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये सारी राखियाँ पसंद आई होंगी. बच्चा उलट गया. ओके सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आप सबको ये राखियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी एंड आपको पसंद आए होंगे ये सारे आइडियाज. एंड इफ यू हैव तो मुझे प्लीज़ बताना कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में. एंड अगर आप कोई भी आइडिया ट्राई करते हो एंड अपने भाई भाभी बहनों को ये राखियाँ बांधते हो तो प्लीज़ मुझे उनकी पिक्चर्स ज़रूर सेंड करिएगा. आई जस्ट लव टू सी देम. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड मैं ऐसे और DIY आइडियाज़ आपके लिए लेके आऊँगी डेफिनेटली. एंड ऑफकोर्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. जस्ट प्रेस दैट रेड बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो द बगल वाला बेल बटन इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी वीडियोज फ्रॉम मी. एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ पे बहुत ही कलरफुल कॉन्टेंट रहता है. वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. मैंने अभी भी लेटेस्ट रील भी ट्राई किया है इंस्टाग्राम का. आई नो बहुत ज़्यादा फास है उसके बारे में बट या सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. I know, अगर अब मैंने मंडाला वीडियो नहीं डाला तो आप सब मुझे मार डालोगे. सो डोंट वरी. अगला वीडियो जो हमने पिछले वीडियो में पैटर्न्स बनाए थे, ग्रिड्स बनाया था, अब उन पैटर्न्स और ग्रिड को यूज़ करके एक हम कंप्लीट मंडाला बनाएंगे. सो टेक आउट योर ग्रिड्स, टेक आउट योर पैटर्न्स एंड मिलते हैं वेडनेसडे को.